हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव रहेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। डियर, अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी, उनका मैसेज आपके लिए। पहले मैं देखना चाहूंगी, मैसेज तो है डियर, लेकिन उससे पहले मैं देखना चाहूंगी कि इस रिश्ते को लेकर क्या वो एहसास कर रहे हैं, ये रिश्ता उनके लिए खास है, क्या इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो चलिए, ट्रू इंटेंशन, डीप फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी क्या है, इस रिश्ते को लेकर वो क्या कुछ फील कर रहे हैं, क्या वो एक्शन लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाए और इंटेंशन सही रखें बाबू, है ना। इंटेंशन सही रखें क्योंकि आप बहुत खूबसूरत सोल हो सकता है लाइफ में बहुत सारी परेशानियों से घिरे हुए हो, लेकिन कोई बात नहीं है। माँ काली का संदेश मैंने डाला है, वो अचानक से मैसेज आया तो आप लोग के लिए मैंने मैसेज डाला है बाबू, उसको फॉलो करें। और लाइफ में जितना आप प्यार करते हो अपने पर्सन से, उतना आप खुद से भी प्यार करो, उसके बाद देखो कि क्या चमत्कार करती है माँ, यूनिवर्स, डिवाइन, कृष्णा, हर इष्ट देवी देवता आपके साथ है ना। चलिए, इंटेंशन सही रखिए, देखती हूँ कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। तो टू ऑफ पेंटिकल्स, OMG, टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी गिर चुकी, थर्ड पार्टी इश्यू है, ठीक है। देखिए बाबू, यहाँ पे आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि शायद आप उन्हें नहीं समझ पा रहे हो, ना ही उनकी ट्रू फीलिंग्स को, ना ही उनकी चुप्पी को, ठीक है। मतलब देखिए, ये कहना चाहते हैं कि कोई चीज जल्दबाजी में नहीं की जाती, बहुत सोच समझकर डिसीजन लिया जाता है। और ये कहना चाहते हैं कि नई शुरुआत क्या चाहेंगे, वो चाहते हैं कि हमेशा आप उनके साथ रहो, ठीक है। लेकिन जो ऑन ऑफ सिचुएशन रहता है, हमेशा मूड स्विंग होना, झगड़े होना, फाइटिंग होना, कहीं ना कहीं आप दोनों परेशान हो जाते हो, है ना। और ये पर्सन कहना चाहते हैं कि अब भी वो एक नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। इस कनेक्शन को वो फील कर रहे हैं, इस रिश्ते को भी पूरी तरह अपने लाइफ में अपनाना चाहते हैं। अगर आप अनमैरिड हो, सिंगल हो, वीडो हो, या फिर आपके पर्सन सिंगल हैं, वीडो हो, या फिर हो सकता है वो मैरिड हो, कोई भी हो दोनों तरफ से, लेकिन सिचुएशन ऐसी खड़ी हो जाती है जहां ऑब्स्टिकल आते हैं, लेकिन ये पर्सन कहना चाहते हैं कि हर वक्त आपके लिए वो अवेलेबल है, वो आपसे प्यार करते हैं, बट समय कुछ ऐसा दिखा रहा है कि शायद आप एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, या फिर एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इस कनेक्शन को बहुत खूबसूरत समझते हैं, आपका एहसास जो है उनके तरफ बहुत खूबसूरत है, खुद ही आपके सामने आएंगे डियर, ठीक है। ये तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या करूं, मुझे सच बोलना ही होगा, सिचुएशन को हैंडल करना ही होगा। लेकिन डियर, देखा जाए तो ये आपकी तरफ एक नई शुरुआत तो चाहते हैं, इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, कॉल मैसेज भी करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने कॉल मैसेज रिसीव भी किया है। लेकिन देखा जाए तो ये पर्सन इस वक्त खुश नहीं है, ठीक है। मेरे व्यूअर्स, मैं यहां देख रही हूं कि आप अपने ऊपर जो ज्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हो, लेकिन अभी इस वक्त उनको ऐसा भी फील हो रहा है कि इस वक्त आपका जो सपोर्ट चाहिए आप उन्हें नहीं कर रहे हो, ठीक है। या फिर उनकी मैरिज हो चुकी हो, या मैरिड हो, या फिर उनकी मैरिज फिक्स हुई हो, ठीक है, या फिर हो चुकी हो, लेकिन नजर आप पर है, या फिर सिंगल भी हो, शायद उन्होंने आपको वो हक नहीं दिया अब तक, ठीक है। हो सकता है आप हस्बैंड वाइफ भी हो, समय सही नहीं चल रहा, बदलाव लाना चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं, खुद को बदलना चाहते हैं, इस रिश्ते में सच्चाई लाना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं आप अपने दोनों लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। लेकिन जो भी फाइटिंग हो रही है वो एक विश्वास की है, जहां कहीं ना कहीं आप लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो हो सकते हैं, ये बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ पे फायर साइन दिख रहे हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, और देखा जाए तो अर्थ साइन भी मुझे दिख रहे हैं, वर्गो, टॉरस और कैप्रिकॉर्न भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। आगे मैं देखती हूँ, देखिए सिक्के के दो पहलू होते हैं यहाँ पे, दोनों की जो एनर्जी है, कभी एनर्जी में उतार चढ़ाव, बैलेंस करना, फिर फाइट करना, मतलब एक दूसरे को आप लोग नहीं यहाँ पे समझ पा रहे हो डियर, ठीक है। समझने की कोशिश किया जा रहा है बट समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये आपकी तरफ सिर्फ, देखिए डियर, ऐसा नहीं कि वो आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, या फिर आपको एक नई शुरुआत की तरफ आ रहे हैं तो आपको कमिटमेंट देंगे, आपके साथ रहना चाहेंगे, तो इस वक्त मुझे ऐसा नहीं दिख रहा। लेकिन वो चाहते हैं आने वाला फ्यूचर में हम सोचेंगे,
क्योंकि इस वक्त आप उनके सपोर्ट करते हो ना डियर, तो उनको ऐसा लगेगा कि आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। और इस वक्त हो सकता है आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो। मेरे कुछ व्यूअर्स आप अपनी पर्सनालिटी, योगा, एक्सरसाइज, कुछ ना कुछ अपने ऊपर फोकस भी कर रहे हो, जिम जा रहे हो, जिम ज्वाइन किया है, किसी ने बाइक स्कूटी वगैरह, कोई यहाँ गाड़ी की सिंबल मुझे दिख रही है, कोई मनी शेप कर रहा है, या किसी ने गाड़ी ली है, या आप ऑफिस जाते हो, या फिर आप सीख रहे हो, ठीक है, कुछ डाल रहे हो आप सोशल मीडिया पे, स्टेटस में कहीं ना कहीं कुछ आप डाल भी रहे हो, या फिर आपने ऐसा कुछ लिया है जहां आपके पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि अब आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ रहे हो। शायद आप दिल के बहुत साफ हो, ठीक है, वो चाह रहे कि आप बहुत दिल के साफ हो। अगर जो भी उनसे गलतियां हुई है, लेकिन उनकी सिचुएशन को आप समझे जाने, लेकिन ये बात इनको कहीं ना कहीं पेन दे रहा है डियर कि एक टाइम ऐसा था कि आपके पर्सन ने अपने लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लाए, जहां अच्छी ग्रोथ थी इनकी, चाहे वो करियर हो, अबंडेंस हो, सक्सेस हो, या इनके लाइफ में बहुत सारी खुशियां, एक टाइम आपके पर्सन के लाइफ में बहुत सारी खुशियां आई थी जहां आपने इन्हें प्रोडक्शन दिया था, गाइड किया था और इनको सपोर्ट भी किया था, ठीक है। लेकिन आज वो देख रहे हैं वही चीज कि आप लाइफ में कहीं ना कहीं, या आप करियर पे फोकस कर रहे हो, अपने आप पर फोकस कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप नॉलेज गेन कर रहे हो, जहां ये अभी दुख और दर्द और पेन में है, तो ये कंपैरिजन कर रहे हैं आपसे। देखो ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि तब और अब में क्या कुछ फर्क आया है। लेकिन डियर इस पर्सन में ऐसा भी है कि थोड़ा आपके पर्सन देखिए गुस्सा करते हैं, नाराजगी होती है, लेकिन स्टबर्न भी है, लेकिन एक इंसान है। ये बहुत तन्हा जब अकेले होते हैं, तो यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे जो दिख रही है, मैं दिखाती हूँ। ये कह रहे हैं फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, देखो आप फोर ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी पे यहाँ है कि ऐसे मिरर करते हो और ऐसे पेंटिकल्स की एनर्जी है, देखो। तो ये पेंटिकल्स ये भी काम पर फोकस करें, हो सकता है इनके लाइफ में वो ग्रोथ ना हो रही हो, लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा भी नहीं तुम्हें, चाहे कुछ भी हो, आज नहीं तो कल तुम्हें अपना कर रहूंगा। अगर इस वक्त कांटेक्ट नहीं हो पा रही है, या फिर आपसे कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकता है आपको स्पाइक कर रहे हो, हाय हेलो भी नहीं कर रहे हो, या फिर आपसे बात कर रहे हो बातें छुपा रहे हो, तो डियर यहाँ पे इनकी ट्रू इंटेंशन ये है कि वो फ्यूचर आपके साथ देखते हैं, लेकिन इस वक्त ये कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं। और प्यार प्यार करते ही इसकी कोई सर्टिफिकेट नहीं होती, ये आपको एक समय आएगा तो आपको दिल खोल कर शेयर करेंगे बातें, लेकिन इस वक्त भी ये पर्सन जो भी हो, मेल हो फीमेल हो, ये बातें छुपाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त मेरे व्यूवर्स मैं बोलना चाहूंगी, इस वक्त मेरे कुछ व्यूवर्स आप हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा सनराइज यानी सुबह की आप धूप लो, ठीक है, और इस वक्त बहुत ज्यादा आपको अपने बोन पर ध्यान देना है, ठीक है, सूर्य की रोशनी लीजिए और येलो कलर का आप ड्रेस इस्तेमाल करो, ठीक है, येलो कलर आपका बहुत ज्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे आपको येलो सनराइज में बैठना है, और हो सके तो आप गर्म खाना थोड़ा खाएं, मतलब गर्म क्या, गर्म पानी ले, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके हेल्थ इश्यू है यहाँ पे, है ना, हेल्थ इश्यू में आपको बोन में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर मुझे लग रहा है कि उसके पार्टनर की भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका चक्रास में, स्पाइन में पेन होता है, ठीक है, कभी कभी एंजाइटी हो रही है, या लेग में आपको, या आपके पर्सन को पेन हो रहा है। डियर यहाँ पे आप अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें, ज्यादा इग्नोर ना करें, है ना, आपको अपने कुछ व्यूअर्स आप हेल्थ इश्यू से गुजर रहे हो, लेकिन बैलेंस हो जाएगा, जो मैं कह रही हूँ आप वो करो, खाने पीने का ध्यान दो, डाइट सही करो, ठीक है, और थोड़ा सा अपना फिटनेस पे ध्यान दो। मेरे कुछ व्यूअर्स ने तो मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे, जिम ज्वाइन किया है, जिम जाते हो, ठीक है, यहाँ पे खाने पीने का ध्यान दे रहे हो, फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, लुक पर ध्यान दे रहे हो। कुछ व्यूअर्स आप एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन में हो, ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, माँ का संदेश पढ़िए, माँ आपको गाइड कर रही है, बस आप समझ नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं जो यहाँ गाइड कर रही हूँ उसको भी आप लिख लो, आपको क्या करना है, सूर्य की रोशनी में सुबह बैठना है, येलो कलर का आप जैसे ऑरेंज वगैरह है, ठीक है, वो सब खाइए, येलो कलर का इस्तेमाल कीजिए, आपका हर कुछ जो सैक्रल चक्रा जो होता है, सोलर प्लेक्सस थोड़ा सा वीक है और कुछ के लिए बहुत ही स्ट्रांग है, जहां मैं देख पा रही हूँ मेरे कुछ व्यूअर का हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है, वहीं पे दूसरे लोग की एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, टू एनर्जी यहाँ पे, तो आपका किस व्यूअर्स का हार्ट चक्रा ब्लॉक है, जहां आपके पार्टनर तक वो एनर्जी पिक नहीं हो पा रही है, यहाँ देख पा रही हूँ, और यहाँ पे हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है तो कुछ मैसेज भी आप भेज रहे हो, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन भी हो रहा है, टेलीपैथी भी हो रहा है, वो आपके पर्सन तक नहीं जा रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी डाउन मुझे दिख रही है,
ठीक है, और मेरे कुछ व्यूअर्स, आपने खुद को बदला है और आपके पार्टनर अब आपको देखकर बदलने वाले हैं, लेकिन ये रिश्ते पे काम करेंगे डियर। लेकिन इस वक्त ऐसी एनर्जी है, एक शुरुआत चाहते हैं, बात होती रहे, हाय हेलो होती रहे, कॉल मैसेज आता रहे, ये आपके पर्सन कहना चाहते हैं। लेकिन बाबू मैं कहना चाहूंगी, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, ठीक है, सबके अपने अपने स्ट्रगल हैं, सबके अपने लाइफ में ऑब्स्टिकल हैं, लेकिन कभी कभी अपने दिल की भी सुननी चाहिए, थोड़ी गाइडेंस भी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि डिवाइन यूनिवर्स माँ काली हम सबको ही चुनते हैं आप तक गाइडेंस देने को। तो आप गाइडेंस फॉलो करें, अपना हेल्थ का ध्यान दें, डाइट को सही करें, ठीक है। देखिए कॉल मैसेज की संभावना अभी भी दिख रही है, 8 नंबर बहुत खास हो सकता है, ठीक है, 9 नंबर और 8 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मैंने बताया था, टॉरस भी हैं, लिब्रा भी हैं, ठीक है, लिब्रा भी मुझे दिख रहे हैं, जेमिनाई भी हैं, कैंसर भी दिख रहे हैं, स्कॉर्पियो भी दिख रहे हैं, पाइसेस भी दिख रहे हैं, लगभग सारे साइन है डियर, अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन, एयर साइन, सारे साइन मुझे दिख रहे हैं, एक्वेरियस है, जेमिनाई है, लिब्रा है, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो भी दिख रहे हैं, अर्थ साइन भी बहुत स्ट्रांग है, फायर साइन भी स्ट्रांग है, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है, एरिस स्ट्रांग दिख रहे हैं, पाइसेस, कैंसर, वाटर साइन भी, सारे साइन लगभग है डियर, ठीक है। यहाँ पे आप खुद पर फोकस कर रहे हो, देखिए आप नींद पूरी नहीं ले पा रहे हो व्यूवर्स, ठीक है, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, ठीक है, वो कहना चाहते हैं, अगर आपसे वो शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स को प्लीज आप समझे, आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं, ठीक है, उनकी ट्रू इंटेंशन है, आप सही रहे, आप उनको समझे, ठीक है। देखिए कोशिश लगातार कर रहे हैं, ठीक है, आप उनकी दुनिया हो, आपने उनको बहुत हेल्प की है, शायद इस वक्त उन्होंने कोई प्रॉब्लम्स इनके लाइफ में ऐसे हैं जहां कुछ अच्छे सिचुएशन नहीं दिख पा रहे। देखिए थर्ड पार्टी इशू है, मैरिड है, तो ये कहीं देखिए डियर, ये इंसान है कि सबको अपनी अपनी, मतलब अपनी अपनी जगह देना चाहते हैं, लेकिन देखिए चाहे ये मैरिड हो या फैमिली हो या पेरेंट्स हो, ये सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये भले टूट जाते हैं, हार जाते हैं, लेकिन सबको अपना जिसको जितना देना हो वो हक देते ही हैं, ये टूट भी जाते हैं, इनको प्यार करने वाला कोई नहीं है सिर्फ आपके सिवाय, ठीक है, तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं, ये पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन कुछ तो प्लानिंग है डियर, ऐसा नहीं ये कहना चाहते, कुछ तो प्लानिंग है। देखिए अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन बहुत जल्द रिजल्ट मिलेगा, ये खुद आपसे एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है, आपसे ये खुद कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है, नींद अच्छी लीजिए, ठीक है, थोड़ा सोइए, अरे 2 से 3 से 4 घंटा भी सोना चाहिए, 3 घंटा ही सो लो, लेकिन कुछ नॉलेज तो आप गेन कर रहे हो, ठीक है। लेकिन मेरे व्यूवर्स, कुछ की हेल्थ इशू मुझे देख के लग रहा है कि आपके पार्टनर क्यों ब्लॉक, क्यों देखिए क्यों ब्लॉक कर रहे हैं, वो इसलिए ब्लॉक कर रहे हैं, इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, और ये देखिए आप जैसे जैसे आपकी हीलिंग होंगी, चक्रास बैलेंस होंगे, उस तरह ये पर्सन आपकी तरफ कॉन्टेक्ट करेंगे, तो इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं करें कि अभी आज अभी इसी वक्त वो आपको कमिटमेंट देंगे या फिर मैरिज करेंगे, तो वो एक सही वक्त का इंतजार करें, क्योंकि ये बंदा जो भी है सही समय पे डिसीजन लेता है या लेती है, लेकिन आपसे प्यार करते हैं, ये कहना चाहते कि प्यार करते हैं, शायद इनका अंदाज गलत हो, ये गुस्सा दिखाते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये पर्सन आपको गुस्सा भी दिखाते हैं, मुझे ये भी दिख रहा है, आपको बहुत कुछ बोलते भी हैं, आप नहीं समझते, फोन भी कट कर देते हैं, ठीक है, जस्ट डिस्काइड करेंगे, चलिए उनका मैसेज और देख लेती हूँ कार्ड से। 8 नंबर आपके लिए खास हो सकता है डियर, 1 नंबर खास हो सकता है, और यहाँ पे 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट खास हो सकता है, 3 3 7। देखिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों की बन नहीं रही, मैच नहीं हो पा रहा है डियर, मतलब आपका सोच उनका सोच कहीं ना, देखिए ये रियूनियन तो चाहते हैं आप देख लो, चलिए मैं इसी से देखती हूँ, वॉट ऑन द डेस्क से, ये रियूनियन चाहते हैं, लेकिन रियूनियन किस बेस पे चाहते हैं, मतलब मिलना तो चाहते हैं, लेकिन जो आप लोग में, देखिए मुझे लग रहा है रियूनियन इज द लवर्स की एनर्जी, मुझे लग रहा है व्यूवर्स आप कुछ न्यू स्टार्ट कर रहे हो या कुछ न्यू कर रहे हो, आप कुछ कुछ तो आप नया कर रहे हो या फिर कुछ नया ले रहे हो या कुछ नया सीख रहे हो, ठीक है, यूनिवर्स इंजस आपके साथ हैं, लेकिन ये पर्सन रियूनियन दिल से चाहते हैं। देखिए ये बंदा एकदम से आपकी तरफ री यूनियन के लिए चाह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एनर्जी में क्या कंट्रोल करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, देखिए पीछे कर देखिए द हर्मिट मून, इस वक्त ये द हर्मिट मून को समझ में ही नहीं आ रहा है, लेकिन इस रिश्ते का होप है, विश्वास है, डिवाइनली गाइडेड हो आप लोग, एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो, ठीक है। देखिए 8 ऑफ वांड्स, एक्शन की एनर्जी आ चुकी ना,
मैंने क्या बोला, 8 नंबर आपके लिए खास हो सकता है डियर, ठीक है। कॉल मैसेज वो करना चाहते हैं, बोलना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक्शन भी लेना चाहते हैं। वॉन्ट्स की एनर्जी आ चुकी है डियर, वॉन्ट्स की एनर्जी। मैंने क्या बोला, वॉन्ट्स भी बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रहे थे, तो आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, काफी सोचे। देखिए ये कहना चाहते हैं एक्शन लेंगे, ठीक है, ये एक्शन लेंगे समय आने पर। 7 और 8 नंबर यहाँ भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी 7 नंबर दिख रहा था डियर। तो आपका बर्थडे हो सकता है, उनका बर्थडे हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है। देखिए कुछ ना कुछ 8 नंबर से रिलेटेड आप लोग के लाइफ में कुछ है, 8 नंबर आपका हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 8 नंबर 7 नंबर खास है कॉल मैसेज एक्शन के लिए। तो ये कब तक दूर रहेंगे डियर, ये तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड हो, ठीक है। तो ये तो चाहिए ही चाहिए, और ये एक्शन लेना चाहते हैं, बात करना, ये एक्शन की एनर्जी है, एक्शन की एनर्जी है। तो ये बंदा भले ही गुस्सा करता है, जिद करता है, रोता है, आप पर चिल्लाता है, मैनिपुलेट करता है, लेकिन ये अपने वादे से नहीं मुकरता है। आज नहीं तो कल ये अपना तरफ से जस्टिस करता ही और अपना वादा निभाता ही है। तो ये पर्सन ये कहना चाहते हैं आज नहीं तो कल वो आपको 100% आपको वो हक देंगे, ठीक है। लेकिन इस वक्त मेरे क्यूज व्यूअर्स, देखिए आपके आपकी रियूनियन हो चुकी होगी, ठीक है, रियूनियन के साइन दिख रहे हैं, लेकिन जिसके नहीं हुए वो रियूनियन चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर बहुत हो खास, यहाँ का नंबर बताया था मैंने, और यहाँ भी नंबर आ रहा है 7 और 8, ठीक है, 4 हो सकता है। तो आप देखिए बाबू, मैं इतना ही कहना चाहूंगी, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस ये तो एनर्जी है। कभी उसके दिल की बात, कभी उसके दिल की बात, कभी उसके दिल की बात सुनते रहते हो, लेकिन जो गाइडेंस है वो आपको चेंज करेगा, ठीक है। यहाँ पे हार्ट चक्रा ब्लॉक है किसी का, किसी का हार्ट चक्रा ओपन भी है ना, तो एक्शन तो लेंगे, लेकिन वो डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं। उनके सिचुएशन को समझिए, या खुद को बदलिए, आप खुद को बदलेंगे तो वो खुद को भी बदल लेंगे, है ना। तो चलिए ये है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, एक्शन तो होगा, रिश्ते पे काम करेंगे, आप उनके लिए बहुत खास हो, इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि डिवाइनली गाइडेड हो। तो रियूनियन के साइन भी आ गए हैं, तो बहुत लोग की रियूनियन हो सकती है। 7-4 कार्ड से आया है डियर, ठीक है, 4-8 यहाँ भी 6 है 7 है, मतलब यहाँ भी एनर्जी जो दिख रही है 1 से लेकर 10 तक दिख रही है, मतलब 1 वीक से आप ऊपर जा सकते हो। नो कम्युनिकेशन में आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, अपनी जो सोच है उसको पॉजिटिव रहे, बस सब कुछ ठीक होगा, है ना। चलिए तो ये थी आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, इस हिस्से को अपनाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो आप लोग का नेचर और सिग्नेचर नहीं मैच हो रहा है, विश्वास की कमी है, उसको थोड़ा बैलेंस करना होगा, ठीक है। चाहते बहुत है बट एक्शन थोड़ा कम लेते हैं, लेकिन ये डिसीजन भी थोड़ा स्ट्रांग जो डिसीजन लेंगे वो थोड़ा वक्त लगाएंगे, लेकिन इस बीच रीयूनियन होगी, बातचीत होगी, और ये चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करो। चलिए दिए ये थी आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन, डीप फीलिंग्स, उनकी करेंट एनर्जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।